डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के संस्थापक दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर के 152वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में साप्ताहिक गौर उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर गौर का व्यक्तित्व बहुआयामी है। समाज और राष्ट्र के निर्माण में उनकी भूमिका और अवदान को किसी एक काम से नहीं जाना जा सकता। उनके समग्र अवदान को स्मरण करने और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने के लिए ये आवश्यक है कि उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को हमारी युवा पीढ़ी न केवल समझे बल्कि उसे आत्मसात भी करे। 21 नवंबर से 26 नवंबर तक अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अपने यहाँ से एफर्ट ले सकती है? बिल्कुल लेंगे। मैंने अभी एक दो दिन पहले ही मुझे किसी ने कहा तो आई विल लुक इन दिस, सब जरा से निकलवाइएगा कि पहले भारत रत्न के लिए जो भी प्रोसेस हुई है तो ये तो विश्वविद्यालय के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग मेरी तरफ से पूरा सहयोग कार्यक्रम रखा। इस पूरे आयोजन के लिए ये जो 6 दिवसीय आयोजन है फिर इनके निर्देशन में कुछ समितियां गठित हुई, समितियों के साथ कुछ उप समितियां गठित हुई और सभी के विचार से और एक शिक्षकों की भी एक बैठक की गई थी उनके भी विचार से ये एक आयोजन एक किया जा रहा है। और इसमें मुख्य रूप से जैसा आपने देखा कि जहां एक तरफ स्कूली बच्चों को भी इन्वॉल्व किया गया है, महाविद्यालय के बच्चे हैं, विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हैं, इसी के साथ विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, कर्मचारीगण, अधिकारीगण सब लोग मिलकर और मैं कहूँगी कि पूरा शहर मिलकर ये एक आयोजन कर रहा है जिससे कि हम लोग ये कार्यक्रम जैसे आपने देखा कुछ कार्यक्रम हम लोग स्कूल में कर रहे हैं, महाविद्यालय में कर रहे हैं, कैंपस में कर रहे हैं, फिर 3 बत्ती से जैसे हर साल एक कार्यक्रम शुरू होता है इस साल भी हम लोग वही कार्यक्रम हम लोग करेंगे और कुछ भवनों का भी हम लोग लोकार्पण इस बीच करेंगे। कुछ अच्छे अच्छे वक्तागण जैसा बताया अभी मुख्य समन्वयक ने कि चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं और उन्हीं के साथ एक माननीय मंत्री जी भी आ रहे हैं और मुकुल कनिटकर जी जो भारतीय शिक्षण मंडल को पूरा देख रहे हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसमें हम लोग पूरे भारत में हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में वो चर्चा करेंगे। तो एक तरफ जहां हम रिक्रिएशन की बात कर रहे हैं हमारे पास कल्चरल इवेंट्स हैं, दूसरी तरफ हम लोग प्रतियोगिताओं की बात कर रहे हैं, निबंध की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने बच्चों को प्रदर्शनी लगाने का भी एक मौका दिया है और इसी के साथ जैसे गौर साहब के ऊपर एक चिंतन ये भी हम लोगों ने सोचा क्योंकि गौर साहब मैं कहूँगी कि एक सिर्फ ऐसे व्यक्ति नहीं थे, व्यक्ति नहीं कहना चाहिए उनको, एक व्यक्तित्व कहना चाहिए और ऐसा व्यक्तित्व जिसमें बहुत सी क्वालिटीज मिली हुई थी, जहाँ वो एक तरफ लॉ से जुड़े हुए थे, दूसरी तरफ वो समाज से भी जुड़े हुए थे, कल्चर से भी जुड़े हुए थे, हर चीज़ का एक वो समागम थे। तो उसी तरह से हमने इस कार्यक्रम को भी एक समागम बनाने का एक प्रयास किया है और लाने जा रहे हैं कुछ नए कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज, इंजीनियरिंग यहाँ पर फैकल्टी नहीं है या होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग नहीं है, कुछ नए जहाँ हमारे बड़े बड़े विभाग हैं उनको अभी वो सीमित हैं, उनको जगह का अभाव है, लाइब्रेरी जिसको मैं बिल्कुल मॉडर्न बनाना चाहती हूँ उसका भी हम लोग इस वर्ष में हम लोग इसको आगे खींच के ले जाएंगे। कहीं कहीं विश्वविद्यालय को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पर काम रुक जाता है लेकिन उसमें भी मेरा ये एक वर्किंग है कि हम यदि कोई प्लान बनाएं तो उसके साथ ही हम लोग फाइनेंसिस के लिए भी हम लोग प्रयास करें तो और विश्वविद्यालय में कुछ रिसोर्स जनरेशन हम करें। इस वर्ष में हम लोग NAC के एक्रेडिटेशन के लिए भी हम लोग जाने वाले हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग उस संकल्प पर जो आप बात कर रहे हैं उस पर हम लोग कार्य कर ही रहे हैं और ये सभी मुझे लगता है गौर साहब को अवश्य ही प्रसन्नता देंगे और मैं ये समझ रही हूँ कि गौर साहब खड़े हुए हैं, देख रहे हैं हमें कि हम लोग क्या कर रहे हैं तो अपनी बात कहते रहें। लेकिन विश्वविद्यालय क्योंकि एक बड़ा विश्वविद्यालय है और इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी सारे हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं तो विश्वविद्यालय का एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम से यही हमने नोटिफाई भी किया था कि बच्चों के लिए जैसे प्रोक्टोरियल बोर्ड बना हुआ है तो वो अपनी बात जाके प्रोक्टोरियल बोर्ड से कहेंगे, यदि वो नहीं सुलझेगी तो कुलपति तो है, वही हुआ इस बार भी।
और इन आई एम सॉरी टू से कि जब वो कवरेज आया भी था कुछ बातें ऐसे निकली, बल्कि लास्ट डे की भी आपने कुछ दिया जिस दिन बच्चों से बात हुई थी, तो आपकी तरफ से कोई